राजेश त्रिपाठी जी, उप सचिव स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। मंचा सिंह एस सुमन यादव, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट वुमेन कमीशन, एस नायक लारी, मेंबर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, मोहम्मद कमर आलम, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह गुप्ता जी, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से उपस्थित विभिन्न स्टेक होल्डर्स, देवी एवं सज्जनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित बंधुजन, सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, जिसके माध्यम से न सिर्फ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को यहाँ उपस्थित कराया गया है बल्कि व्यक्तिगत साक्षात्कार भी उसे हुआ है। बहुत सारे पहलुओं के बारे में जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, इंस्पेक्शन तो हम लोग करते रहते हैं, होम्स के भी, जेल्स के भी और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में भी, लेकिन जो वास्तविक ग्राउंड रियलिटी है वो हमारे सामने लाया गया है। इसके लिए हम साधुवाद देना चाहेंगे कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को। बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा वेलफेयर स्कीम चलाई गई हैं, बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बनाए गए हैं। मैं ज्यादा तो कुछ न बताकर के सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे लेना चाहूंगा। जो हमारा संविधान है वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, उसकी प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय नागरिक को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के उद्देश्यों को सुनिश्चित करती है। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, परंतु हम वास्तविक रूप से क्या पाते हैं? क्या जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि भारतीय परिवेश में हमारी महिलाएं, जिनको हम देवी के तुल्य मानते हैं, वो कहीं से भी समानता का अधिकार को प्राप्त करती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। अनुच्छेद 39 ए संविधान में जोड़ा गया और राज्य के ऊपर यह दायित्व आरोपित किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक न्याय प्राप्ति करने से वंचित न रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संसद के द्वारा सन 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का गठन किया गया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से यह सिक्योर किया जाता है कि कोई भी भारतीय नागरिक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने से वंचित न रहे, वह अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अगर उसमें कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उस अवरोध को दूर करने के लिए यह प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पर कार्यरत है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके पैटर्न इन चीफ माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय होते हैं, हमारे कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय होते हैं, जनपद स्तर पे हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके चेयरमैन जिला जज होता है और सचिव एक सिविल या सीनियर डिवीजन कैडर का अधिकारी होता है। तो आप जो एनजीओ यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे मध्य, जैसा कि आपने बताया कि सीधे अभी हमारे मंगला राजभर ने यह बताया कि समस्या आती है, या मैडम ने बताया, विनिका मैडम ने, कि बहुत सारे होम्स में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमारे माध्यम से या हमारे जैसे कि तो हमारे और भी यहाँ पे बाल आयोग है, महिला आयोग, हमारे माध्यम से आप प्रस्तुत कराएं उचित माध्यम में, तो निस्संदेह कोई ना कोई कार्रवाई होगी, आप हमको असिस्ट करें। हम ये चाहते हैं क्योंकि हम हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, यद्यपि हमारा पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमारा प्राधिकरण जो मेन कार्य कर रहा है उसके बारे में सूक्ष्म रूप में बताओ, जब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, कि पहले तो हम लोग क्यूरेटिव मेजर्स के रूप में काम करते हैं, कि कुछ हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, हम लीगल एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं,
ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को डायरेक्शन है हमारे द्वारा कि प्रत्येक जनपद में तहसील में गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो विधिक सहायता कार्यक्रम लीगल लिटरेसी कैंप आयोजित करें जहां पर न सिर्फ लोगों के अधिकारों के बारे में बताया जाए बल्कि शासन के द्वारा कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं कौन कौन पात्र लोग हैं उनके बारे में बताया जाए। यहाँ पे जो आप एनजीओ हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप ऐसे शिविरों में आप जानकारी कर सकते हैं हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से जो दीवानी न्यायालय में होता है। आप बतौर जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है अपने बारे में कानून के बारे में आप हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में उस शिविर में भाग ले सकते हैं। आप ऐसे लोगों को ला सकते हैं जो वास्तव में कोई ऐसा महिला है जो किसी प्रकार की सहायता पेंशन स्कीम से वंचित है तो आप उसके एप्लीकेशन को वहाँ पे हमारे हर महीने वो जाते हैं तो ऐसे माध्यम से आप सहायता कर सकते हैं हमको। जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके बारे में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट एडॉप्ट किया हुआ हमारे स्टेट स्तर पे सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट। एक एनजीओ है आप ही की तरफ से वात्सल्य लखनऊ की एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में कर रही है। हम उनके सहयोग से न सिर्फ अवेयरनेस कार्यक्रम करा रहे हैं बल्कि जो सीजीएम्स हैं प्रोसिक्यूटर्स हैं जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं मेडिकल अथॉरिटीज हैं उनके अवेयरनेस कार्यक्रम भी हम करा रहे हैं। हमारा जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गोमती नगर में है जहाँ भी हमें कार्यक्रम लगातार करा रहे हैं। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स आप ही लोगों की तरफ से हैं जो हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर 50 और तहसील स्तर पर 25 PLPs हम चयनित करते हैं। हम आप एनजीओ से जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं मैं अनुरोध करना चाहूंगा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बतौर PLPs हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि एनजीओ भी PLP हो सकता है हमारा पैरालीगल वॉलंटियर्स। हम आपको ट्रेनिंग देंगे और कैसे आपको काम करना है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर के वो आपको हम बताएंगे उस चीज के बारे में। लीगल एड क्लिनिक हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे गांव के समूह स्तर पे जहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है कभी भी और वहां पे हमारे दो रिटेनर्स योग्य अधिवक्ता अथवा PLP मौजूद रहेंगे जो हम उनकी समस्याओं को ले सकते हैं और उसके सहायता से फिर हम एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो नालसा के चेयरमैन है माननीय न्यायमूर्ति PS ठाकुर साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट का अर्थात दूरदर्शन एवं आकाशवाणी का हम प्रयोग कर रहे हैं अवेयरनेस कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए और हर हफ्ते का 30 मिनट का स्लॉट हम लोगों ने लिया है दूरदर्शन से भी और ऑल इंडिया रेडियो से भी। प्रत्येक रविवार को 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण किया जाता है कानून की बात शीर्षक पे जहाँ पे अपने आप प्रश्नों को भेज सकते हैं और साथ ही साथ उसमें विधि संबंधी जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन है स्टेट स्तर पे जिसका नंबर हम लोगों ने बुकलेट अभी आपको प्रोवाइड कराया है 1800-419-0234 जिसमें हमारे 3 अधिवक्ता हैं माननीय उच्च न्यायालय स्तर के 2 अधिवक्ता हैं और 1 महिला अधिवक्ता हैं जिनसे निःशुल्क आप किसी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे नासा के द्वारा 15100 नेशनल हेल्पलाइन शुरू की गई है विधिक समस्याओं के बारे में लीगल पॉइंट्स पे किसी प्रकार की कोई समस्या हो ये टोल फ्री नंबर है आपको कोई पैसा नहीं लेगा आप राय प्राप्त कर सकते हैं हमसे। महिला अधिकारों के बारे में जो भी योजनाएं हैं उनके अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग बुकलेट प्रसारित कराते हैं जो वितरित करते हैं आप लोग को जब भी शिविर हमारे लगाए जाते हैं। इंस्पेक्शन होम्स के भी हम लोग करते हैं मैडम बता रहे थी वाराणसी में मैं रहा हूँ और मैं सचिव के रूप में भी रहा हूँ वहाँ मैंने काम किया 2 साल जो है। लेनिन जी का भी एप्लीकेशन हमारे पास आते रहते हैं अभी उन्होंने जेल्स के बारे में और कई बंदियों के बारे में एप्लीकेशन सीधे हमारे भेजते हैं जिसपे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से हम लोग प्रयास करते हैं कोऑर्डिनेट करके कि वो काम किए जाए। इन प्रिवेंटिव मेजर्स के अलावा हम क्यूरेटिव मेजर्स भी अपनाते हैं। कोई महिला ऐसी है जैसा कि यहाँ पे दिखलाया गया है कि ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनके अधिकारों को हनन हुआ है या उनको वेलफेयर स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाया है तो इनके लिए मैं बताना चाहूंगा सेक्शन 12 है हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में जिससे महिला निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्र है अर्थात महिला होने के आधार पर ही वो फ्री लीगल एड प्राप्त कर सकती है। उसको किसी प्रकार की कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अपने अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए या किसी भी प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लेने के लिए। हर जिले में दीवानी न्यायालय में मे आई हेल्प डेस्क यू और फ्रंट ऑफिस हमारा बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत
जहां पर जब चाहे आप संपर्क कर सकते हैं कोर्ट आवर्स के दौरान, वहां पे हमारे सचिव होते हैं, साथ ही साथ हमारे रिटेनर अधिवक्ता जिनको हम ट्रेन करते हैं या पीएलपी हमारे मौजूद होते हैं, जहां पर किसी प्रकार की किसी लीगल राइट के हनन के बारे में या आपका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है या किसी ऐसी समस्या आ रही है या किसी तरह से विक्टिम है तेजाब पीड़ित आप हैं, आपको प्रतिकर चाहिए, ऐसे किसी प्रकार के मैटर्स में आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। परिवार परामर्श केंद्र हम लोगों ने स्टेब्लिश किया हुआ हर जिले में, जहां पर हम आपसी जो कमे होते हैं कुछ ऐसे मैटर्स हैं जैसा कि पारिवारिक मैटर्स हैं या मध्यस्थता केंद्र भी हम संचालित कर रहे हैं। अभी मैडम ने बताया था कि मध्यस्थता केंद्र में आप गए थी, आपको वहां पर थोड़ी समस्या हुई। मैडम मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था, थोड़ा रिक्वेस्ट करना इस बिंदु पर चाहूंगा कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है उस परिवेश में हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार पीड़ित हो। तो हम नहीं, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी डायरेक्शन देता है कि सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि समाज हमारा परिवार जुड़े। तो जब भी आप जाएंगे तो आपको शुरू में लग सकता है कि आपके प्रति वो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रयास होता है कि हम दोनों बच्चों को समझा करके, हमारे जो मीडिएटर्स वहां पे हैं योग्य मीडिएटर्स हैं, अगर कहीं से आपको लगता है कि नहीं आपके प्रति कोई अन्याय हो रहा है तुरंत आप शिकायत करिए उसकी जरूरत, हमारे सचिव होते हैं जिले में उठेंगे। लेकिन हमारा पहला प्रयास होता है कि हमारा परिवार विघटित ना हो, हम दोनों बच्चों को समझाएं क्या छोटी छोटी समस्याएं, कभी कभी बहुत छोटी छोटी समस्याओं पे लोग तलाक तक ही ना बताया थी। तो ये हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि हम परिवार को बांट दें। हाँ जरूर ऐसी समस्या हो जाती है जहाँ पे साथ में रहना मुश्किल है, वहां पे विकल्प आपस मौजूद है, लेकिन सर्वप्रथम प्रयास चाहे वो महिला थाने में परामर्श केंद्र हो, चाहे हमारे न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र हो, चाहे परिवार परामर्श केंद्र हो, पहला प्रयास यही होता है कि दोनों बच्चों को समझाया जाए। अगर कहीं से भी सुलह की 1% संभावना आपको दिखाई देती है तो हम प्रयास करते हैं इस आशय का। तो उसके बाद से अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, उसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी कस्टम कोर्ट में और आपका मामला आगे प्रोसीड होगा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का भी डायरेक्शन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी डायरेक्शन है, फैमिली मैटर्स में सबसे पहले कंसिलिएशन का प्रयास किया जाए और उसके विफल होने के ही आगे प्रोसीड किया जाए। तो कानून यही है और ये होना भी चाहिए, हम सब लोग सहमत होंगे कि बालक हम सब लोग का मन उठा होता रहता है, ऐसा हुआ तो रोज हम लोग की तरह होने में होता है, हमारा भी आ सकता है, वही किसी किसी बात में समस्या होती रहती है, लेकिन उसको अगर दूर किया जा सकता है तो हम लोगों ने जो मीडिएटर्स का पैनल बनाया हुआ, ट्रेंड मीडिएटर्स हमारे हैं, उनको ट्रेनिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एमसीपीसी के जो कुशल मास्टर ट्रेनर है वो ट्रेनिंग देते हैं। तो प्रयास ये किया जाता है कि उस परिवार को जोड़ा जाए, लेकिन इसके नाते आपके अधिकार को प्रभावित नहीं किया जाएगा। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और निर्णय दिया है, डीए दीपा का जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट में मामला आने से पहले ही पारिवारिक मैटर में प्री लिटिगेशन डेस्क हर जिले में बनाई जाए। प्री लिटिगेशन डेस्क क्या है कि आपको एफआईआर या वो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं वहां पे, कोई भी बिना मुकदमा लिखाए हुए। तो आपको वही मीडिएटर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें से चयनित कर लिया जाता है, कुछ मीडिएटर बहुत अच्छे होते हैं और पहले ही वार्ता करा देते हैं, मुकदमा दाखिल होने से पहले, आपकी एफआईआर दाखिल होने से पहले ही, आपके कंप्लेंट दाखिल होने से पहले ही प्री लिटिगेशन स्टेज पे आपसे वार्ता करके प्रयास किया जाता है कि क्या वो मामला निपट सकता है। अगर वो निपट सकता है तो उस स्टेज पे भी उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैमिली मैटर्स है। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव देखिए, परिवार जब टूटता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। हमारा देश की भावी पीढ़ी बच्चा हमारा जो है उनका वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो सिर्फ दो लोगों को तोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात होनी चाहिए पहले और तब उस पर जो है, ताकि वो बच्चा हमारा जो है देश का जो भविष्य है उसको हम संरक्षित कर सके किसी भी तरह से। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बहुत सारा लोग करते हैं, घरेलू उत्पीड़न जो बता दिया चुका हूं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक अभियान चला था कि डोरबेल बजाओ, बहुत अच्छा अभियान है। मैं जहां भी जाता हूं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि अगर आपको लगता है, जैसे बगल में हमारे पड़ोसी आपस में पत्नी को अपने मार रहे हैं, कुछ अब्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ मत करिए। अगर घर के अंदर हो रहा है तो डोरबेल बजा दीजिए और बस कुछ दरवाजा खुलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको चले जाइए ना, तो या अगल बगल में हो रहा है 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए वहां पे। इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है आपके सामने, वो नहीं करेंगे, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को प्रेरित करें इस बात के लिए कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज न करें। छोटे बच्चे हैं, बाल श्रम की बात तो हम लोग बहुत करते हैं, जब हम कभी यात्रा करते हैं, ढाबे पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक छोटा बच्चा चाय लेके आ रहा हूँ, पी जा रहा है, क्यों भाई हम इतना तो कर सकते हैं, नहीं नहीं इस बच्चे के लाए चाय नहीं पीएंगे, इतना तो मना कर सकते हैं। इतनी की संवेदना हमें होनी चाहिए कि हम उस सीमा तक नहीं, हम एनजीओ की सीमा तक नहीं, हम कंप्लेंट करें,
लेकिन अपने आप, जैसा कि आप सभी ने कहा कि हम अपने आप में हम अपनी मानसिकता पर उतर रहे हैं, तो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम कभी भी हम इस बात का प्रण या हम इस बात को प्रयास करें कि कहीं भी कोई बच्चा अगर कोई बाल श्रमिक हमको दिखाई देगा तो हम उससे कोई भी सेवा नहीं लेते। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निसंदेह उसका प्रभाव आएगा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश शासन का मैडम बता रही थी सुमराधो मैडम ने कि महिला मुखिया का भी प्रावधान किया गया है। ये बहुत अच्छी सोच है महिलाओं को आगे लाने के लिए, लेकिन समस्या वही है कि हम सभी जानते हैं कि कानूनी मान्यता कितना मिल जाए, संवैधानिक मान्यता कितना मिल जाए, जब तक हम अपनी मानसिकता को परिवर्तित नहीं करेंगे तो ये सारे स्कीम्स, सारे वेलफेयर स्कीम्स, सारे अधिकार, सारे कानूनों का लाभ हम जो है नहीं ला पाएंगे। अगर महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित करने का, सम्मान करने का हम लोग को कहीं से भी सोच हमारी है, उनके अधिकारों को मान्यता करने की सोच हमारी है, तो हमें अपने मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा और ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आप सबसे अपील करना चाहूंगा, यदि महिलाओं के अधिकारों के हनन के बारे में या कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त न करने के बारे में कहीं भी कोई समस्या हो तो हमारे स्टेट लीगल अथॉरिटी में अथवा जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अथवा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति है जिसका सचिव हमारा तहसीलदार होता है, आप कहीं भी संपर्क करके अथवा टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप हमसे बताएं, हमारे संज्ञान में इस तथ्य को लाएं, हम प्रयास करेंगे कहीं न कहीं से कहीं गुंजाइश होगी और इसमें हम सफल भी होंगे। धन्यवाद।